So hello guys, welcome back to our channel. और आज की वीडियो नॉले रा तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो फाइनली हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंड हेलो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू आवर चैनल और आज की वीडियो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग और आज की वीडियो में मैं कुछ यूनिक करने जा रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करूंगी मैं और वो है मेकअप मेरा नहीं शक्ति और ये मेरे को बार बार मना कर रहे हैं मेकअप करवाने से कि नहीं मैं मेकअप नहीं करवाऊंगा पर मैं भी पूरी जिद्दी हूँ आज मैं मेकअप करके ही रहूँगी एक साल से मेकअप करने की सोच रही थी कि कब करूँ लेकिन फाइनली आज तो वो दिन आ गया आज मैं मेकअप जरूर करूँ ये देखिए हमारी 6 फुट की लंबी चौड़ी मॉडल ये पड़ी हुई है बेड पे जाओ मॉडल आपकी दाढ़ी आई हुई है आप काट के आओ तेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा मेकअप करेगी तो मेरी बेइज्जती करवाएगी यूट्यूब चैनल बेइज्जती क्या होता है यार मेकअप मेकअप तो क्या करना चाहती है अच्छा लगेगा मैं दाढ़ी वाड़ी नहीं काट के आऊंगा पहले बता रहा हूँ तेरे को मैं नहीं काटूंगा शेविंग तो करनी पड़ेगी यार बिना शेविंग के तो लड़की वाला लुक आएगा नहीं पागल मुझे लड़की बनाना चाह रही है जड़ा बना रहा है छक्का बनाना चाह रही क्या करना चाह रही यार तो मैं गंदा फंस गया यार मेरे पीछे ही पड़ गई है कह रही शेविंग करके आ तेरा मेकअप करूंगी पता नहीं क्या चाहती है मेरे से मेरा मेकअप करके क्या देखना चाहती है चलो कोई बात नहीं लेकिन इधर घुसना जरूरी है तेरे को बीच में तो लेकिन मैं अभी दाढ़ी बना के आता हूँ और फिर अभी तू भाग यहाँ से मेरे पीछे पड़ी हुई है मैं अभी शेव करके आता हूँ फटाफट से और फिर आपको दिखाऊंगा ये दिखाएगी आपको मेरा मेकअप करके कि मैंने कैसा मेकअप ये कैसा मेकअप करेगी मेरा आज मुझे भी नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूँ आज तो भाई आपका भाई फंस गया शेविंग लगता है करनी पड़ेगी भी मानेगी नहीं बिना मेकअप करे हुए चलो मैं भी देखता हूँ आज लड़की गेटअप में कैसा लगता हूँ मैं तो ब्रश मेरा गुम हो गया है तो हम हाथ से ही रख देंगे ये अपने फेस को रब करने का ही है देसी जुगाड़ अगर आपके पास में ब्रश गुम हो गया हो तो अपने हाथ से रगड़ लो कोई दिक्कत तो भाई आपका भाई शेविंग करके आ गया पूरा चिकना हो गया और यहाँ मैडम ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है देख लो आप पूरा साजो सामान तैयार कर लिया है तो आज अपनी प्रतिभा अपने हुनर को मेरे क्या है मेरे द्वारा आप लोगों के सामने मतलब क्या करेगी मैं पेश करूंगी हाँ ये पेश करेगी तो यार मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है पता नहीं मैं कैसा लगूंगा मेकअप करने के बाद में क्या आप देखना पता नहीं ये क्या करेगी इन मेकअप के सामान को क्या क्या बोलते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता इतने सारे मेकअप के सामान यहाँ रखे हैं तो चलिए अभी रेडी होते हैं आपके सामने और दिखाते हैं कि कैसे कैसे मेकअप होता है लड़कियां क्या क्या मेकअप करती हैं तो आज मैं आप लोगों के सामने लड़की बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैडम तैयार है बिल्कुल डन तो भैया मैं रेडी हूँ अपना मेकअप करवाने के लिए भाई क्या औजार ले आई तुम्हारे लगाऊंगी ठीक है अब चुपचाप अपना मेकअप करवा नीचे से नहीं लगाते भाई ऊपर तो यार मैं मेरा लगा सकती हूँ मेरा मेकअप कर रही है मेरे साथ मजाक कर रही है अच्छा ठीक है चल ठीक है फिर नीचे से कर रही है इसको लगाओ ना तो अच्छा ऐसे करके लगेगा ना ये ठीक है अच्छा ऐसे नहीं मैं तो पिंकी बन गया यार मैं तो राम जाने लग रहा हूँ राम जाने मूवी को हाउ क्यूट यू आर बाइस को थोड़ा ऊपर करे यार कान टेढ़े हो गए हैं तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता था मेरे को अच्छा मतलब इसके मतलब जो जो क्या कहते हैं वो शिकार हूँ ना इसका मतलब पहला शिकार क्या करूँ यार बीवी है इस वजह से बात माननी पड़ती है वरना कोई और होता तो मैं कभी नहीं माना क्या है ये बता तो दो दिखाने के बाद तो भाई प्राइमर इससे क्या होता है क्यों यूज करते हैं ये बेस के लिए होता है भाई लड़कियां सबसे पहले आपको पागल बनाने के लिए यूज करती हैं प्राइमर अपनी नेचुरल ब्यूटी को छुपा के और आपको पागल बनाती है प्राइमर लगा के तो इससे नहीं छुपती है नेचुरल अच्छा अच्छा भाई अपन ने तो आज तक सिंपल क्रीम भी नहीं लगाई है लगाओ लगाओ प्राइमर लगाओ अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मसाज हो रही है अभी तो ये इसको मलना भी है क्या हाँ। देख लो यार इतना सारा सामान पड़ा है तो ये तो मेरे सारे मुंह पे पूरा सब कुछ पोते ही क्या लड़की बनने का पहला स्टेप आप अपने मुंह पे लगाओ प्राइमर और पाओ बहुत बढ़िया यार प्राइमर में ही पूरा हो गया
मैं काला थोड़ी ना हूँ, गोरा तो मैं पहले से नहीं हूँ यार। देख लो कितना डेस्परेट हो गए काम कर रही है। अगर इसको कुछ और करने के लिए बोलता ना तो ये वो इतना काम डेस्परेट होकर नहीं करती। एक साल से पीछे पड़ गई मेरे मेकअप करने के लिए। वैसे मैं सही लग रहा हूँ, बहुत गोरा लग रहा हूँ आज तक यार। मैं इतना गोरा नहीं लगा भाई कसम से, देखो कितना गोरा लग रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, देख लो बहुत गोरा लग रहा हो यार मैं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। पहले ये शाइनी इफेक्ट। अच्छा बदरू तो जा दिखा दे तो देख क्या है ये। फाउंडेशन लगाती है। फाउंडेशन से क्या होते हैं, गोरे होते हैं क्या? अच्छा तो कभी यहाँ पार्टी में जाके लोगों को बेवकूफ बना दें मैं? नहीं वैसे ये वैसे गोरी बहुत है, ये हमेशा नेचुरल रहती है। आज इसने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, ये नहीं पता लड़की बनूंगा हिजड़ा बनूंगा। ये लड़की के साइड इफेक्ट होने वाले लग रहा है मेरे ऊपर। हाँ घुसा दे मेरे मुंह में घुसा दे। ऐसे लड़कियां डांस सर्कल पे छुपाती है अपने। क्या है ये? क्या है इसका नाम? क्या है नाम तो बता दो यार। कंसीलर। अच्छा भाई ये कंसीलर है भाई, जो जिन लड़कों को लड़की बन के रात को निकलने का शौक है ना वो भी ये इस्तेमाल कर लेना कंसीलर। मैं तुम्हारी क्रिएट करूंगी जॉलाइन। तेरा एक साल का ख्वाब पूरा हो गया। यहाँ तूने मेरा नमूना बना के बिठा दिया है। क्या देख रहे होंगे लोग, क्या बोल रहे होंगे? हैं कुछ नहीं बोलते, लोगों को काम है कहना, कुछ लोग कहेंगे। अब ये क्या यूज करने वाली हो आप नेक्स्ट? अब मैं तुम्हें पिंकी बनाऊंगी। पिंकी बता दो हमारी ऑडियंस को, लड़कियां भी देख रही होंगी क्या यूज कर रहे हो, उनको पता तो चलना चाहिए। ये है पिंक ब्लश O2O, ठीक है, जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ शक्ति के ऊपर, जो मैं तुम्हें पूरी तरह से पिंकी बना रही हूँ। क्या खोल के देखो तुमने मुझे क्या बना दिया? भाई तू बॉर्डर बनाना चाह रही। अब मैं यूज करने जा रही हूँ ब्लश जो तुम्हें पूरी तरह से चमका देगा। पता नहीं भाई चमका ही रखा है तूने मेरे को इतनी देर से, मतलब बहुत टाइम लगता है यार लड़कियों को मेकअप करने में, पता है आपको? आधा घंटा तो मेरे को हो गया अभी तक इसने बिठा के रखा है, तो आधा घंटा मेरा मेकअप करते करते हो गया, और अब मेरे ख्याल से आधा घंटा और लग जाएगा। और लड़कियां तो खुद का मेकअप करते तो 1.5-2 घंटे लगाती होंगी मेरे हिसाब से। क्या है ये है? और हाँ जो भी लड़कियां हमारा वीडियो देखती है ना वो प्लीज कमेंट करो कि कभी उन्होंने अपना हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का जो भी है मेकअप किया है। और ऐसा नहीं है यार जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए भी, भाई जो लड़के देख रहे हैं वो भी बता देना या तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड का मेकअप किया हो। और यही आज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन ही है हमारा कि कौन लड़के हैं जिन्होंने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड से मेकअप करवाया, या फिर वो लड़के जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ का मेकअप किया है। तो दोनों ही कंडीशन वाले लड़के और यहाँ पे मैसेज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम अनाउंस करेंगे। और तुम्हारी माँ की कसम है अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, अगर किया हो तो ही बताना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना जरूर कि अगर तुम्हारा मैसेज, और अगर नहीं भी किया ना वो भी बताना। हाँ अगर जिसने नहीं भी किया वो भी बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी जो पिछली वीडियो वाले जो जिन्होंने सही जवाब दिया था कि उनका नाम अनाउंस करेंगे वीडियो के एंड में, तो प्लीज हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हाँ वीडियो पूरा देखना है तो नाम अनाउंस करेंगे हम वीडियो के एंड में। तो अभी वीडियो के एंड में उन लोगों का नाम लेंगे जो पिछली वीडियो थी हमारी, पिछले से पिछली वीडियो, उसमें हमने बोला था कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अपने घर के अंदर अपनी वाइफ मम्मी पापा का काम में हाथ बढ़ाते हैं, गर्लफ्रेंड हो गई उनकी या फिर वाइफ हो गई उनके काम में हेल्प करते हैं, तो घर का काम करवाते हैं उनके साथ में, तो उसका रिप्लाई हम लास्ट में करेंगे। तो मैडम कैरी ऑन कर लूं। और अब मैं ब्लश अप्लाई करने जा रही हूँ
अब कौन से कलर का ब्लश लगाएगी? पिंक की तो बना ही दिया, मेरे गाल बिल्कुल बंदर की तरह लाल हो रहे हैं बिल्कुल। अभी तुम चमक जाओगे। मुझे रोड पे ले जाके मैं छोड़ दिया और लड़के उठा के ले जाएंगे। अभी रात में लेके जाऊंगी मैं। क्या है यार तुम लड़के में रहे हो? कैसे लग रहा? मस्त लग रहे हो। और कैसे लग रहे हो यार? अच्छा नहीं लग रहा? पता नहीं यार, मेरे सारे फेस भी बड़ा क्लीन क्लीन हो गया। मेरे फेस पे छोटे छोटे स्पॉट्स भी गायब कर दिए इसने मेकअप करके। मेकअप का पावर देख रहे हो? हाँ मैंने देखी है वीडियो, उसमें काफी काली काली लड़कियां होती हैं और लास्टिक चेंज आता है उनके अंदर मेकअप करके। तो भाई अपनी शादी अगर करो ना तो पहले लड़की का मुंह धुलवा लेना पानी से अच्छी तरीके से। कभी शादी करो और फिर बाद में आपने देखा हो कुछ और हो और बाद में आपके सामने कुछ और हो तो एक बाल्टी मुंह में पानी फेंक के मार देना जब भी शादी करने जाए। तो बिना मेकअप के मत देखना लड़की को, सिंपल और नेचुरल ब्यूटी देखना पहले उसकी। अब ये क्या है? अब मैं लगाने जा रही हूँ आईलाइनर। भाई बिल्ली बना दिया बिल्कुल। पलके नकली पलके लगाएगी? मेरी पलके छोटी है क्या? बहुत छोटी है। लगा ले यार जल्दी, बहुत तूने मेरे को बैठे बैठे है ना मेरा पिछवाड़ा भी दर्द करने लग गया। 40 मिनट से ज्यादा हो गए मुझे। आके बोल। अभी मेरा आधा मेकअप हो चुका है, मैं रेडी हूँ आधा मेकअप की ओर। तो अभी मेरा जल्दी से मेकअप करो, आधा मेकअप मेरा हो चुका है। बहुत ब्यूटीफुल लग रही है तू। ओह माय गॉड, इट्स माय कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओह ये लड़कियों की तरह ही मजा आ गया। ठीक है, अब तुम्हारी आईब्रो फिल करने जा रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। आईब्रो तो मेरी वैसी है, काफी बड़ी बड़ी है। वो शेप में ले लूँगा मैं। अच्छा शेप में लिया, इनको भी शेप में लेना होता है क्या? ओह माय गॉड, क्या क्या करती हैं लड़कियाँ भाई साहब। अगर लड़के को अगर लड़की बनना हो ना तो कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं। अभी कितना टिकटॉक चल रहा है। हाँ टिकटॉक पे भाई साहब लड़के मेकअप करते हैं बड़ा जबरदस्त। मैंने देखी एक दो लड़की की वीडियो, क्या मोंटी रॉय। मेरा फेवरेट है वैसे वो। हाँ मोंटी रॉय भाई बहुत अच्छा मेकअप करता है। बहुत बढ़िया, मजा आ जाता है यार उसको देख के। मोंटी रॉय बहुत बढ़िया मेकअप करता है, लगता ही नहीं यार। मुझे तो ऐसा लगता था पहले वो लड़की है, लेकिन भाई साहब जो मेकअप करता है ना वो खुद से बहुत ऑसम करता है। तू भी मोंटी रॉय से कम लग रहा है। लेकिन मेरे पास अपने पास एक कमी है, अपने पास विग नहीं है यार। वो मेरे पास नहीं है। हाँ तो विग होती ना तुम ऐसे भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अगर बिग होती ना तो फिर पूरा लुक आता उससे। ओह माय गॉश, मैं भी तेरी दीवानी हो जाऊंगी। तो ना यार ऐसे कितना स्मार्ट लग रहा है। स्मार्ट लग रहा हूँ आज तक तेरे को भी नेचुरली तो स्मार्ट लगा नहीं मैं ना। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख लो इसको, मैं लड़की बन के स्मार्ट लग रहा हूँ। ये है आई शैडो। ठीक है कौन सा है ब्रश? हाँ मेरा चिंकी मत बना भाई, मुझे इंडिया नहीं रह रहे थे। चिंकी चिंकी बनना पसंद नहीं है मुझे। पहले सालों में कोरोना वायरस फैल रहा था चिंकियों ने, ये सारा कोरोना वायरस की तो मार है जो हम लोग घर में बैठे हैं। और घर में बैठने के बाद इसके दिमाग में ऐसे ऐसे उल्टे सुलटे ख्याल आ रहे हैं। तू मेरा सही मतलब यूज ले रही है, इस्तेमाल बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। जल्दी से ये कोरोना वायरस खत्म करवाओ, नहीं तो पता नहीं अगली वीडियो में मेरे को पता नहीं क्या करके दिखा देगी। क्योंकि घर में खाली बैठे कुछ काम तो है नहीं। आंखें ओपन करो तुम। ज़ूम करके दिखाओ। गोल्डन कौन सा लिपस्टिक पसंद करोगे बताओ? रेड पिंक। अब मुझे लिपस्टिक भी लगानी पड़ेगी।
जिंदगी में पहली बार लिपस्टिक लगाऊंगा मैं जिंदगी में भाई, आज तक नहीं लगाई। ठीक है, कैसे लगानी है? मेरे को लगानी है। सही में मैं यार बहुत लड़की लग रहा हूँ मैं काफी, है ना? ठीक है, ये बैग में उतार देती हूँ अभी। मुझे पता था ये मेरा घोंसला है ना, इसको बिगाड़े यार। बहुत अंडे हो गए तुम्हारे घोंसले में, थोड़ा सफाई बनती है कभी। बंदे ने मैसेज भी तो किया था हाँ, एक बंदे ने मैसेज भी किया था, कमेंट भी किया था, भाई अपना घोसला एक हटाओ। भाई ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, आज मैंने अपना घोसला नीचे की तरफ कर लिया, ऊपर की तरफ नहीं करा। अच्छा तुम थोड़ा दो बैठ लो। अगर मेरे पास बिग होती ना, अगर मेरे एक नंबर लगते बॉयकट वाली लड़कियां नहीं होती है। पता नहीं यार, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ। आज क्यों रही है मेरे को देख के? तो मेरा मेकअप हो गया, कितनी जबरदस्त लग रही है। तो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक और मैंने रेडी कर दिया है शक्ति को आज शाम की पार्टी के लिए। ठीक है, इसको रात में छोड़ के आने वाली हूँ। भाई मेरा वो क्या कहते हैं, वो वर्ड नहीं बोल सकता मैं, मेरा चीरा रन कर देंगे लोग, बार बार छोड़ के आ रही है मेरे को। तो आपको हमारा मेकअप लुक कैसा लगा और शक्ति को कितना प्यारा ये मेकअप लुक लगा, मैं भी नहीं बता पा रही, इतना अच्छा लग रहा है ना सामने से। और विग नहीं है हमारे पास, अगर विग होती तो शायद और भी अच्छा लुक आता, तो इसकी मेहनत थी। तो भैया इतनी मेहनत करी है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, एक लाइक भी बनता है और वीडियो के अंदर एक अच्छा कमेंट भी बनता है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से वेलकम, और चाहेंगे कि आप आगे ही ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहें और आगे हमारी वीडियोस के साथ ऐसे कंटिन्यू बने रहे। और प्लीज ये भी बताओ कि ना कमेंट में प्लीज बताओ कि कैसा मेकअप लग रहा है इनका, कैसे लग रहे हैं ये, एक घंटे की मेहनत लगी है इसको तो आप जरूर बताएं। ये तो बनता है। तो फाइनली अब हम जवाब देने जा रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने पिछली से पिछली वीडियो के अंदर हमारे को कमेंट्स किए थे कि कितने प्रतिशत भारतीय मर्द हैं जो घर में कितने प्रतिशत भारतीय मर्द है जो घर में हाथ बढ़ाते हैं अपनी वाइफ पे। अब हम नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने हमारी पिछली से पिछली वीडियो के अंदर सही जवाब दिए थे कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपनी वाइफ के घर में हेल्प करते हैं और जो फिर उनकी गर्लफ्रेंड है उसकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला नाम है अक्षय चौधरी, इन्होंने अपना जवाब दिया 50-50%, काफी अच्छा जवाब दिया इन्होंने। उसके बाद राहुल यादव ने जवाब दिया है 25-30%, इनका बिल्कुल एक्यूरेट है जवाब। एक है राहुल मीणा, उनका भी यही है 25-30%, उनका भी 25-30% बताया, इनका भी जवाब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मोहम्मद इरफान दुबई, इन्होंने भी 40-50% बताया है, तो इनका भी जवाब लगभग ठीक के बराबर ही है। उसके बाद है शुभम लवर्स, ये बोलते हैं कि 100 में से 70% फीमेल, 30% हाँ तो भाई मतलब हाँ मेरा है, मतलब जो भी इन्होंने बोलना चाहा है, मतलब मैं कमेंट में शायद कोई प्रॉब्लम है, तो इन्होंने बताया कि 30%, तो इनका जवाब भी ठीक है। और गैरी रिकॉर्ड्स, इन्होंने 10% बताया है, तो इनका भी ठीक मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश अच्छी करी है। तो ये जो लोग थे हाँ, अंसारी खालिद, इन्होंने बताया 40%। उसके बाद भी कोई, और अगर कोई रह गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम अनाउंस कर देंगे, तो आप प्लीज बुरा मत माना करें। और आज की वीडियो का जो सवाल है
कि कितने, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हाँ तो फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग कि कितने लोग अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड का मेकअप कर चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो, और ऑनेस्टली बताना और ये भी बताना कि शक्ति का मेकअप कैसा लगा। अब मेरे को देख के हंसना मत और गंदे कमेंट बिल्कुल मत करना, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। घर में खाली बैठे हैं, कुछ करने के लिए काम नहीं है, इसके खुरापारी दिमाग में उल्टे उल्टे सीधे ख्याल चलते रहते हैं, तो ऐसी उल्टी सीधी हरकत ये करवाती रहेगी, तो बुरा मत मानना। कोरोना वायरस से घर में रहना है, घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए इस मैडम ने मेरे साथ ये किया। बैठे बैठे ना आप हमारी वीडियो देखते रहे, प्यार बनाते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।